बात और है। हाँ जी हाँ जी, ऐसे रेट में दे देंगे। हाँ जी, कटिया मिलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात ये है। हाँ, जो भी जिसके घर में जाएगी ना, हाँ हाँ, अच्छी उसकी बुंडी मेरी। अच्छा अच्छा, किराया समेत वापसी दे दूंगा। इसका रेट फिक्स 25,000 रुपए है। फिक्स 25,000 रुपए है, तो ये देख सकते हैं। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म की तरफ से। नमस्कार दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से अच्छी और बेहतरीन किस्म का मुर्रा पशुधन दिखाने का प्रयास, और उसी प्रयास को बढ़ाते हुए जो आज की हमारी कवरेज में बताना चाहूँगा, हमारे चैनल के काफ़ी जाने माने चेहरे हैं भाई डॉक्टर मोनू, और जो आज की हमारी कवरेज में बताना चाहूँगा, जैसे कि आप जो पोस्टर देख पा रहे हैं जिया डेयरी फार्म से, आप सब पशुपालक भाइयों के लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। और आज की वीडियो में जो मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है टोकड़ की, अपन भैंसों की, और एक साथ में जो गौ माता आप यहाँ पे जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम इन दोनों के दोनों पशुधन के डॉक्टर मोनू से इनकी डिटेल्स ले लें। लेकिन उससे पहले जो भी पशुपालक आपके अपने चैनल पर पहली बार जुड़ा है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ, ताकि इन फ्यूचर हम जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलवाते हैं डॉक्टर मोनू से। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे डेयरी फार्म आने पर भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में दो पशुधन दिखाएंगे। आज ही दो पशुधन दिखाएंगे, तो शुरुआत करेंगे हम पहले नंबर पे जो बाकड़ी, जो टेस्ट की डिटेल्स बताएं भाई साहब। ये दूसरे टाइम में बच्चा देगी। अच्छा, दूसरे ब्यात में बच्चा देगी। हाँ जी, 6 महीने की प्रेग्नेंट है। 6 महीने की चेक पास गैबिन है जी, और दूध थन थन चेक पास कराएगी। अभी एक घंटे पहले लेके आए, थन पास करके लेके देख पा रहे हैं। अच्छा, तो साथ में क्या भाई साहब इसके? भाई साथ में तो इसके कटड़ा है। साथ में कटड़ा है, ये देख सकते हो, साथ में आप यहाँ पे जो कटड़ा देख पा रहे हैं। और 6 महीने की गैबिन चेक पास, कोई भी पशुपालक भाई अपनी चेक भी करवा के ले जा सकता है। तो जानना चाहेंगे पीक पर इसने क्या कुछ दूध दिया भाई? 14.5 किलो दूध दिया हुआ है आम फार्मर के घर पे। आम फार्मर के घर पे जो कि 14.5 किलो दूध है वो दिया हुआ है। और बात करें इसकी जो सुंदरता है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल छोटा सींग ये देख सकते हैं, जो हेड की क्वालिटी, गर्दन की लंबाई काफी अच्छी, पीठ पुट्ठे की बात करें तो पीठ पुट्ठे की काफी साफ सुथरी हमें यहाँ पे जोटी देखने को मिली। और नीचे का जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और नीचे की डॉक्टर मुन्नू का कहना है कि कोई भी पशुपालक भाई है अपनी थन फोड़ के ले जा सकता है, अपने थन चेक करवा के ले जा सकता है। तो इसको एक बार खोल के चला के दिखाएं, जो इसका व्यक्तित्व पशुपालक भाइयों से जरूर कवर करके दिखाना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा मार्केट में बाकड़ी भैंसों की इसलिए डिमांड है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए हर पशुपालक की बजट के हिसाब में जो कि टोकड़ गैबिन भैंसे हैं, वो इसलिए कोशिश करते हैं कि कुछ दिन रख के उसकी जो कि एक अच्छी खासी है वो लागत है वो ले सकते हैं। ये देख सकते हैं जो चाल डाल काफ़ी अच्छा, और जो थनों में जो स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छे और सॉफ्ट चुआई, कोई भी पशुपालक भाई अपनी आके भी चेक करके ले जा सकते हैं। एक बात और है। हाँ जी हाँ जी, ऐसे रेट में दे देंगे। हाँ जी, कटिया मिलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं डॉक्टर मोनू का साफ साफ कहना है कि ऐसे रेट में ये जुट्टी आप लोगों को मिलेगी, जो स्पेशली आज के तारीख में जो कटड़ियाँ बिक रही हैं काफ़ी महंगी महंगी, उस रेट में आपको 6.5 महीने की चेक पास कोई भी पशुपालक भाई है ले जा सकते हैं, और कुछ ही दिनों के बाद जो अपनी लागत को कहीं ना कहीं पूरी कर देगी। तो इसके डिटेल्स और बताएं भाई साहब, गौ माता की। भाई साहब ये दूसरे टाइम में जा रही है, दूसरे ब्यात में भी आई हुई है। बच्चा इसका एक्सपायर हो गया था। एक्सपायर हो गया था जी। और ये है जब तो 1.25 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा, 1.25 महीने की गैबिन भी है। ठीक है, अच्छा, श्योरिटी नहीं अभी इसमें। श्योरिटी नहीं है, 2.5 से 3 पे चेक होगी। हाँ जी हाँ जी,
और इसमें आप फिलहाल देखो झूठ बोलने को कि नहीं बोलते हो। हाँ जी पक्का 9 किलो दूध है, पक्का आज की तारीख में 9 किलो दूध इसमें प्रेजेंट में। सब शायद झूठ नहीं बोलेंगे, भाई मंजीत के पास वीडियो बनवाई थी 1.5 महीने पहले। हाँ जी हाँ जी बात भी हो गई, फिर मामा का फोन आ गया, मामा चले गए थे। अच्छा अच्छा और ऐसा हुआ मामा थोड़ा सीरियस ज्यादा था, वो आपसे लेनी पड़ी और यार दिन एक्सपायर भी हो गए। अच्छा एक्सपायर हो गए थे तो उसी कारण वर्ष केयर नहीं हुई। नहीं 4 किलो दूध पिया थे अपने घर, 5 दिन में 9 किलो दूध बना गई। अच्छा वहाँ रेख देख नहीं हुई, 4 किलो दूध पिया थी, लेकिन आप इसको लेके आए हैं तो 9 किलो दूध फिलहाल प्रेजेंट में तैयार है। तो देख सकते हो दूसरे लैक्टेशन में और जो शांत स्वभाव जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे, गाय में हाइट और जो लेंथ हो काफी अच्छी। तो जानना चाहेंगे भाई साहब कौन सी नस्ल है? भाई साहब ये देसी में काउंटिंग होती है, देसी में काउंटिंग होती है, देसी की दोगली है, रंग सफेद होता है और देसी बता देते हैं हम। अच्छा 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 ये देख सकते हैं और फिलहाल प्रेजेंट में बाद इसमें कितना दूध दिया भाई साहब? बात ये है जो भी जिसके घर में जाएगी ना, हाँ हाँ अच्छी उसकी बुंडी मेरी। अच्छा अच्छा किराया समेत वापसी दे दूंगा। अच्छा ठीक है। और जिस घर में चले गए ना एक किस्म की रोग दिखाती है गाय। अच्छा रोग दिखाती है, मैं कह रहा हूँ मेरे पशु ही नहीं है। अच्छा अच्छा शांत स्वभाव काफी अच्छा है, शांत स्वभाव अच्छा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं जो अड्डर की क्वालिटी जो गौ माता में होनी चाहिए, अगले थोड़ो थन है वे बड्डे होने चाहिए छोटे सॉरी। ये देख सकते हैं जो लेवटी का आकार है काफी साफ सुथरा, जो कि लेवटी का आकार हम यहाँ पे देखने को मिला और गेमे भी काफी अच्छी बता रहे हैं, सुंदरता आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, काफी अच्छी हाइट और जो लेंथ है गाय में काफी अच्छी देखने को मिली। काट दो से न्याना का काट दो से कैसे भी काट दो भाई साहब, ये देख मैं कहता हूँ इतनी शरीफ गौ तो कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलेगी। तो क्या कुछ रेट रहेगा भाई साहब बताएं इसका? साइल इसका रेट ही है भाई, थोड़ी मजबूरी कारण देनी पड़ेगी, इसका रेट फिक्स 25,000 रुपए है। फिक्स 25,000 रुपए है। तो ये देख सकते हैं 25,000 रुपए में एक गौ माता, गर्मी का सीजन है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो गौ माता है वो गर्मी के सीजन में जो कि दूध की पूर्ति करेगी तो इसकी कीमत मात्र 25,000 रुपए इसकी कॉस्ट है। वो रखिए फिलहाल प्रेजेंट में 9 किलो दूध फिलहाल प्रेजेंट में तैयार है और जो शांत स्वभाव फिलहाल प्रेजेंट में लेके आए इसको, ये देख सकते हो जो चाल डाल हाइट और जो लेंथ काफी अच्छी देखने को मिली दूसरे इलेक्ट्रिशियन में है और काफी अच्छी जो शांत स्वभाव वो भी काफी अच्छा देखने को मिला। ये देख सकते हैं काफी साफ सुथरी और ये देख सकते हैं थन वगैरह सॉफ्ट जो है भाई साहब बिल्कुल सॉफ्ट। मैं ये कह रहा हूँ ताक कैसे बांध देना। हाँ जी हाँ जी कैसे वहीं पे खड़े रहे, खुली छोड़ देना, नहीं सोचती कि बंदी रही इसलिए इसको दे रहे हैं। तो बाकड़ी जोटी है उसका रेट बताना चाहेंगे भाई मौके से? अच्छा उसका रेट मौके पर बताना चाहेंगे, ठीक है उसका रेट है वो मौके पर बताना चाहेंगे। और रेगुलर रूटीन से भाई का हमारे स्क्रीन पर भी नंबर चल रहा है, आप इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लगभग 3 से 4 बैसी बाकड़ी या फिर मैं बताना चाहूंगा मुर्रा नस्ल की जो ग्याबिन जो कटड़ियाँ हैं यहाँ पे आपको हर टाइम देखने को मिलेगी। और रेगुलर रूटीन से भाई का स्क्रीन पर भी नंबर चल रहा है, आप अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के भाई के पास। तब तक सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।